स्ट्रगल के थ्रू मुझे मतलब एक चीज़ पंक्चुअलिटी जो थी, एक चीज़ को वैल्यू करना कि आपको जब भी मिले जो भी चीज़ मिली, अब आप अर्न करके लेते हो तो उसकी आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो। आपको आप मेहनत के बगैर जब आपको चीज़ मिल जाती है आप उसे वैल्यू उस तरह नहीं करते, आप उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये जितना भी मेरा जर्नी था इससे मैंने ये सीखा है कि लाइफ में आपका शॉर्टकट नहीं है। आप जो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं इधर से उधर चला जाऊँ, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। जब आप उस प्रोसेस से जाएंगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को उतना ही वैल्यू करेंगे जितनी आपने स्ट्रगल की होती। स्ट्रगल पीरियड मेरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि अभी अगर मैं किसी चीज़ को वैल्यू कर रहा हूँ तो उसके पीछे जो रीज़न है वो स्ट्रगल ही है कि मैं किसी भी मौके को जाने नहीं देता। तो 2014-15 में पाकिस्तान 19 में खेला था, उसके बाद मैं तकरीबन 4 साल में कोई क्रिकेट नहीं खेला फर्स्ट क्लास का मेरा, क्योंकि डेब्यू 2018 में हुआ था। उससे पहले सिर्फ 1-2 सीज़न ग्रेड 2 खेला था और ऐसे खेला था कि 1-2 मैच खेलता था, बाकी नहीं खिलाते थे क्योंकि उस टाइम इतनी कि मेरी प्रोफाइल अच्छी थी नहीं, तो उस तरह मुझे नहीं मिला। तो फिर इस ड्यूरेशन में काफ़ी डिसहार्ट हो गया था। तो एक बंदा आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से हमारे क्लब में, तो उसने मुझे देखा कि यार मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा, आपको मैंने टाइम ज़ाया करते नहीं देखा, तो मैं आपको लेटर वगैरह भिजवा दूँगा तो आप ऑस्ट्रेलिया में आके खेल लो, तो आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप देख लेना अगर वहाँ पर सेटल हो सके तो वो भी कर लेना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने था कि हर बंदा कहता है यार आपको भेज देंगे, लेटर जाके भेज देंगे, कोई किसी के लिए नहीं करता होता। तो खैर उन्होंने मेरे लिए लेटर भेजा, क्लब से बात हुई सारी, तो मैं गया वहाँ पे, सीज़न खेला मैं, सीज़न मेरा बहुत अच्छा रहा। तो जैसे ही मैं वहाँ पे सीज़न, अभी ड्यूरिंग द सीज़न ही मुझे पता चला कि पाकिस्तान अंडर 23 कहीं टूर करने के लिए जाएगी, तो मैंने क्लब से कहा कि जी मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं अब दिल में वो पाकिस्तान की मोहब्बत तो जा नहीं सकती थी। तो मैं आखिरी कुछ मैचेस छोड़ के आ गया, मैंने कहा जी मैंने जाना है। और आते साथ ही ना ग्रेड 2 का सीज़न था, तो ग्रेड 2 का सीज़न के लिए आया था कि मुझे मिल जाएगा चलो, वो आते साथ ही मुझे ग्रेड 2 का सीज़न ही नहीं मिला, वो मुझे उन्होंने खिलाया नहीं, टीम में नहीं रखा। तो मैंने फिर गाड़ी ले ली, बैंक लीज पे गाड़ी ले ली। अब किसी तरीके घर का सर्किट भी चलाना था क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा था, तो घर वाले इतने सपोर्टिव उस तरह नहीं थे कि जी आप खुले खेलें, कोई परवाह नहीं है। खैर मैंने गाड़ी बैंक लीज पे ले ली, तो उसकी तरह क्रिकेट मुझे मिल नहीं रही थी। तो मेरी रूटीन ये हो गई थी कि मैं मतलब अपने आप को गाड़ी को भी टाइम देना था, घर को भी अर्न करके देना था और अपना भी टाइम अर्न करना था। तो मैं सुबह 5:15 बजे तकरीबन 5 बजे उठता था, 5:15 जमात हो जाती थी, फजर की नमाज़ पढ़ता था, स्ट्रेट अवे ऑनलाइन हो जाता था। तो वो ऐसे था कि सुबह 5 बजे से लेकर जो 10:30-11 बजे का टाइम था, क्योंकि ऑफिस सारे आने जाना कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होता था, तो वो मैं ये 4-5 घंटे जो थे ये मैं उसमें स्पेंड करके, उसके बाद मुझे जो 11 बजे से लेकर 1 बजे का जो टाइम मिलता था उसमें मैंने बॉलिंग करनी होती थी 2 घंटे। और इसमें रेस्ट कोई नहीं था कि मैं रेस्ट करता था, सिर्फ थोड़ा सा लंच होता था वो कर लेता था। फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के 1.5 घंटा 1.5 घंटा जितना भी टाइम मिलता था बचता था उसमें मैं थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता था, फील्डिंग भी कर लेता था। फिर 2 से 3 बजे या 3 बजे मैं ऑनलाइन हो जाता था, 3 से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि ये वो टाइम था जब ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ ऑफ हो रहा होता था। तो इसमें मैं फिर दोबारा ऑनलाइन हो जाता था और अपनी जो मेरी राइड्स रहती थी, रिमेनिंग राइड्स होती थी, उनको पूरा करने की कोशिश करता था। 7 बजे फिर मैंने अपने लिए 1 घंटा निकालना होता था कि अपनी जो फिटनेस है उस पर भी काम करना होता था। फिर 1 घंटा मैं जिम के लिए जाता था। तो जैसे ही 6 से 7 होता था या 7 से 8 जो भी मुझे इसमें टाइम मिल जाता मैं कर लेता था, वापस घर आता था। तो मेरे घर वाले भी वन सो रहे होते थे, सम टाइम तो ऐसे होता था कि रास्ते में कहीं से कुछ मिल जाता तो खा लेता था, वरना मैंने अम्मी को कहने देना कि जी मेरे लिए आपने खाना नहीं बनाना, मैं आके कर लूँगा। डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत अच्छी थी और दिस इज़ द बेस्ट स्टेज आई थिंक आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब मुझे इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा पता चला जब मैं NCA में आया हूँ, तो मुझे 2-3 जगह से मुबारकबाद मिली, अभी ऑफिशियली टीम अनाउंस नहीं हुई थी, तो मैं सबको खैर मुबारक कह रहा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था किस चीज़ की मुबारकबाद है। तो हम स्ट्रेट अवे कैंप पे चले गए, वहाँ से मैं जैसे ही वापस आया तो तब तक टीम अनाउंस हो चुकी हुई थी। तो हारून भाई ने जब मुबारक दी तो फिर मैंने आके देखा कि टेस्ट टीम में नाम आ गया, तो डिफरेंट फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग्स थी। मेरी स्कूल टाइम से ही क्रिकेट से मोहब्बत थी, स्कूल टाइम में स्टडी में अच्छा बहुत ज़्यादा था, स्टडी को मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कवर कर लूँगा। लेकिन क्रिकेट मैं स्कूल टाइम में भी 3 टाइम खेलता था, फजर सुबह जब हम आते थे असेंबली से पहले खेलना, फिर रिसेस में खेलना, फिर इवन एंड पे भी खेलना। तो मेरा जो क्रिकेट के साथ लगाव था वो एक नेक्स्ट लेवल का था। और वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने आगे तक आ जाऊँगा कि मैं टेस्ट में भी अपना नाम बना लूँगा, कि टेस्ट में भी मेरी जगह बन जाएगी। तो वो बस इस तरह का एक स्टेप बाय स्टेप जो बनता गया, तो उसके लिए मैंने आई थिंक मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल तक आके मैं आके पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करूँगा। तो हमें पता चला कि टेस्ट टीम पाकिस्तान की आ रही है, श्रीलंका के साथ टेस्ट था और काफ़ी आई थिंक 10 साल बाद हमारी टीम में आई थी, कि वो काफ़ी एक मिसअप हुआ था उसकी वजह से। तो पूछा था मुझसे काफ़ी लोगों ने कि यार वो
हमें ना नेट बॉलर्स चाहिए, तो एक ऑर्गेनाइज़र थे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं जाऊँगा, मुझे आप बुला लें, तो मैं मुझे अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पाकिस्तान टीम के साथ, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि यार वो जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं और हम जहाँ खेल रहे हैं तो हमारा कितना गैप है। डेफिनेटली टेस्ट की जो सिलेक्शन है वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। उसकी रीज़न एक तो यह है कि जब मैं T20 से वापस आया हूँ तो मेरी बात हुई थी कोचेस से, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे नंबर पे जाके खेलें कि हमें जिस तरह टीम में ज़रूरत है ऑलराउंडर की, तो हम आपको यूटिलाइज़ कर सकें, तो आप लंबे स्पेल्स भी करें, आप लंबी बैटिंग करें। तो क्योंकि मैं जब पाकिस्तान टीम में था तो 2 मैचेस फर्स्ट क्लास के हो चुके हुए थे और मैं स्ट्रेट वे यहाँ से गया था, मैंने कहा मैं रेस्ट नहीं करूँगा, हालांकि कोच ने मुझे कहा था कि एक मैच देख लो उसके बाद बेशक आ जाना, कोई इशू नहीं है, इजाज़ भी कोच थे। तो मैंने कहा नहीं इजाज़ भी, मैंने आगे 2 सीरीज़ आ रही हैं तो उसको मैंने माइंड में रखा हुआ, मेरा फोकस उस पर, तो मैं एक भी मैच मिस करना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाए। तो मेरा स्टार्ट से ही जब पहले मैच ही मैं खेला हूँ तो मेरा टोटली फोकस ये था कि मैं बेस्ट ऑलराउंडर टूर्नामेंट का बन के जाऊँ, टीम के लिए अवेलेबिलिटी शो करूँ, तो उससे ज़्यादा मेरा फोकस बॉलिंग के लिए था। तो मैं सारे मैचेस खेलना चाहता, मैं किसी भी मैच में ऐसा नहीं था कि मैं बैठना चाहता हूँ, वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, वो सारा मैनेज हो रहा था। तो बीच में कुछ ऐसे मैचेस आए थे जहाँ पे वो मैचेस इतने वर्दी नहीं थे कि अगर हार भी जाते तो भी हमारी पोजीशन टीम की बहुत अच्छी थी। तो इजाज़ भाई से मेरी बात हुई, इजाज़ भाई ने कहा, समी भाई ने भी कहा कि आप अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने कहा नहीं मैं रेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आगे फोकस जो मेरा है वो टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो आगे 2 टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं, तो मैं जितना क्योंकि अभी करंट पाकिस्तान खेल के हूँ तो मेरे ख्याल में मुझे इस चीज़ को कैरी करना चाहिए कि मैं आगे रेड बॉल के लिए भी अवेलेबल हो जाऊँ। तो सारे मैचेस मैं खेला फाइनल तक अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी भी एक मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें मुझे ज़्यादा फील हो कि नहीं मुझे नहीं खेलनी चाहिए, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल था। बीइंग एन ऑलराउंडर आपके लिए इतना इजी नहीं होता, आपने जब आप बॉलिंग करें तो आपने सिर्फ बॉलिंग पे फोकस रखना होता है, और जब आपने बैटिंग करनी है तो उसके लिए, लेकिन जब आप और पूरा दिन आपने फील्ड के अंदर भी रहना होता है, तो मतलब वर्कलोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर का लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से मैंने हमेशा अपने आप को प्रिपेयर किया, जहाँ पे 2 घंटे बॉलिंग करनी होती सेम उसी तरह मैं अपनी बैटिंग को भी टाइम देता हूँ। मैं NC रेगुलर आ रहा हूँ, मैं किसी दिन मैंने स्किप नहीं किया, इस वजह से कि मैं अपनी बॉडी को मज़ीद यूज़ टू करूँ उस टफ़ कंडीशन के लिए। जब हमारा कैंप हो रहा था उसमें भी ये था कि हमारा जो हमें ओवर्स दिए गए थे कि हर बॉलर ने इतने ओवर्स करने, उसके अलावा भी मैं ओवर्स कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं जितनी टफ़ कंडीशन यहाँ पर मैं अपने आप को उसमें रख के करूँगा तो वहाँ की जो टफ़ कंडीशन होंगी वो मुझे इतने ज़्यादा वो तंग नहीं करेंगी। तो सीनियर से बस यही बात हुई थी, एक दोस्त से इमाम भाई से बात हुई थी, इमाम भाई कह रहे थे कि वहाँ पे मोस्टली ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जितने फास्ट बॉलर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा टफ होता है, इतना इजी नहीं होता, तो अपने आप को मेंटली भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि सारी आपकी माइंड गेम होती है। अगर आप मेंटली गिव अप कर जाओगे तो आपकी बॉडी डेफिनेटली उस तरह काम ही नहीं करेगी। फर्स्ट क्लास की मेरी एबटाबाद में बलोचिस्तान के खिलाफ थी, पहला मेरा स्पेल मैंने किए 2 ओवर 3 ओवर किए, तो उसमें मेरा कोई इतना अच्छा बॉडी रिदम नहीं बन रहा था। तो उसके बाद मैं दोबारा से आया हूँ, तो उसके बाद मैंने 17 ओवर्स किए इन अ रो, काफ़ी लंबा स्पेल मैंने किया, और इवन के पीछे से मुझे आवाज़ आया जो हमारे बॉलिंग कोच थे समी भाई, मुझे कहें बस कर दो, मैंने कहा नहीं बस नहीं करना। उसकी रीज़न ये थी कि मैं आगे सिर्फ लंबे स्पेल्स को भी देख रहा था, मैं टेस्ट क्रिकेट को भी देख रहा था, और बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, तो मैंने 2 आउट किए, फिर 3 आउट किए, फिर इस तरह एक एक करके आउट होता गया। जब 5 आउट हुए उसके बाद समी भाई ने भी बोला कि यार अब 5 आउट हो गए तो अपनी बॉडी को रेस्ट दो। मैंने कहा नहीं अब तो मुझे बॉलिंग करने का मज़ा आ रहा है। तो इस तरह करते करते मैंने 17 ओवर लगातार कर दिए, और विद यूनिफॉर्म पेस, ये नहीं था कि मेरी पेस कहीं नीचे गई हो या थोड़ा बहुत हुआ हो कि मैं मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। तो जब मैंने 8 आउट किए तो मुझे कहते हैं कि यार अब 8 तो वैसे ही कर लिए आपने, तो कोशिश करो कि एक और आउट हो जाए, क्योंकि इस तरह की जो बॉलिंग का स्पेल होता है वो कैरियर में 1 या 2 दफ़ा होता है, बार बार नहीं होता। तो 9वें ओवर के लिए उस टाइम, उससे पहले मैंने 15 ओवर किए, तो जो 9वें आउट के लिए मैंने हुआ तो नहीं मुझसे, लेकिन आखिरी 2 ओवर ना मैंने एक्स्ट्रा कर दिए। तो फिर उसके बाद एजाज भाई ने भी कह दिया कि बस अब बस कर दो, आगे भी काफ़ी मैचेस पड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर। तो मेरे ख्याल में ये मेरा कैरियर बेस्ट स्पेल था जो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था।